अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफ़गानी ऑमलेट बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इस रेसिपी को आप नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में बहुत ही आसान है और चंद मिनटों में ही हम इसे बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। आजकल सर्दियाँ हैं और अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो क्यों ना इस तरह की रेसिपी बनाई जाए जो सबको पसंद हो और बनाने में भी आसान हो। तो रेसिपी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मेरे चैनल मुल्तानी तड़का पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल, और ये मैंने लिया है तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसके साथ ही इसमें आलू ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने, और इनकी कटिंग आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कट की हुई है, और स्क्वेयर जिस तरह से कटिंग की जाती है उस तरह मैंने इनको कट किया है। इसी तरह से सेम आपने कटिंग रखनी है, क्योंकि इस रेसिपी की यही स्पेशलिटी है। अच्छी तरह से इसे कुक करेंगे 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। इसी से ये बहुत अच्छे से नरम से बन जाएंगे, क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस आगे भी है। तो इस टाइम पर फ्लेम हमने मीडियम टू हाई की तरफ ही रखनी है, ज़्यादा हमने लो फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना, क्योंकि फिर ये पानी रिलीज़ कर देंगे और फिर हमें ज़्यादा देर इसको पकाना पड़ेगा। हमने हल्का सा इसके ऊपर कलर देना है, और साथ ही इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। 2 अदद मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी हैं। जिस तरह से ऑमलेट में ऐड की जाती हैं प्याज कट करके, सेम उसी तरह से ऐड कर देंगे। 2 ही आलू लिए थे, 2 ही प्याज ऐड की हैं। इसको भी हमने तकरीबन 2 मिनट ही कुक करना है। जैसे ही ये थोड़ी सी नरम होगी तो फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने टमाटर ऐड करने हैं, तो टमाटर भी बारीक कट कर लीजिएगा। और टमाटर यहाँ पर 3 मैंने बड़े साइज़ के लिए थे और वो ऐड कर दिए हैं। छिलके समेत ऐड किए हैं। अब हमने नमक ऐड करना है, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। इस रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए जाते, बस सिंपल से स्पाइसेस होते हैं। नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत अपने मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। अफ़गानी रेसिपीज़ में ज़्यादातर मिर्च मसाले कम ही रखे जाते हैं और काली मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लीजिएगा, या फिर ज़ीरा और सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल अफ़गानी टच देना चाहते हैं तो जस्ट आपने नमक और काली मिर्च ही ऐड करना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है और कवर करके रख दिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। उससे क्या होगा, टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। तो तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही कवर किया और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इसी दौरान में आलू भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। इसका ढक्कन उठा देने के बाद हमने इसको कुक करना है, ताकि इसमें जो भी पानी मौजूद है वो ड्राई हो जाए और टमाटर बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाने चाहिए। उसके लिए आप इस तरह से स्पून या स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं इक्वल मैंने सेट किया है। अब हमें चाहिए होंगे अंडे, तो यहाँ पर 5 अदद अंडे मैंने यूज़ किए हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। हर अंडे को आपने अलग अलग तोड़ना है और इस तरह से सेपरेट कर करके डालना है, एक साथ सारे अंडे ऐड नहीं करने, क्योंकि इसी तरह से कुक होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और बिल्कुल इसका जो टच आता है जिस तरह से फ्राई एग होता है उस तरह से आएगा। ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, ये भी ऑप्शनल हैं, चाहें तो स्किप कर दीजिएगा या फिर आप मसाले में भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, ताकि जो अंडा है वो फीका फीका ना लगे। और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक दोबारा से ऐड किया है, और ये ऐड कर देने के बाद इसे कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। आपने किसी सूरत भी फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना जो नीचे वाला मसाला है वो जल जाएगा। तो मैंने इसको कवर करके रखा था तकरीबन 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आपको खदशा हो कि ये जल जाएगा तो नीचे आप तवा भी रख सकते हैं, तवे के नीचे भी आपने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, बस इसको कवर करके रख दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो माशाल्लाह से हमारा ये अफ़गानी ऑमलेट बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी जर्दियाँ थोड़ी सी कच्ची रहें, जिस तरह से हाफ फ्राई एग्स बनाए जाते हैं उस तरह से, तो फिर आपने इसको थोड़े टाइम के लिए कवर करके रखना है। जहाँ 8 मिनट दिए हैं वहाँ आप इसको तकरीबन 6 मिनट दे दीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये कुक हुए हैं,
आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके थे और देखिए किस कदर ये टेस्टी लग रहा है। इस रेसिपी को आप दोपहर के लंच में भी बना सकते हैं, जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए तो इस रेसिपी को बना लीजिए, सब ही बहुत इंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाना भी आसान है और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल मुल्तानी तड़का को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको आप ऐसे एज इट इज़ भी ले सकते हैं, इसके अलावा पराठे के साथ लीजिए, मज़ा दोबाला हो जाएगा, ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।